हिसार लोकसभा सीट से दुष्यंत चौटाला विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं। बीजेपी ने ब्रिजेंद्र सिंह पर दाव खेला है तो कांग्रेस ने भव्य बिश्नोई को मैदान में उतारा है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा, जिसे लेकर दुष्यंत ने लोगों से वोट अपील की है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर मुकाबला कड़ा रहने वाला है तो हिसार सीट पर भी सभी की नजर है। जेजेपी प्रत्याशी दुष्यंत चौटाला यहां से विरोधियों पर भारी पड़ रहे हैं और आज चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में दुष्यंत कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। यहां से उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी बृजेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। बुजुर्ग युवा साथियों, 5-7 दिनों में एक चीज तो मैंने देख ली। मैं सोचता था वीरेंद्र सिंह जी मरोड़ में रहते, पर अब साबित हो गया सारा कुणबाई मरोड़ में रहते। कॉन्फिडेंस देखो कि एक आईएएस अधिकारी को चौकीदार बना दिया और इस पर चौकीदारी छीनने का काम उचाना वाले कर ले। नौकरी भी जाएगी और बीजेपी भी जाएगी। इसके बाद दुष्यंत ने कांग्रेस प्रत्याशी भव्य बिश्नोई पर भी निशाना साधा और जनता से कहा कि मुझे जनता पर विश्वास है और इस सीट से जनता मुझे जिताएगी और जेजेपी ने सभी के पसीने छुड़ा दिए हैं। ये सोनीपत में वोट दिग्विजय को हराने के लिए गिरवा सकते हैं और वो यहाँ मेरे को हराने के लिए गिरवा सकते हैं। पहले भी हुए थे, कुलदीप की पूरी मदद करी थी पिछली बार, ये तो कुलदीप के 35,000 उतारने में नहीं आते, 37,000। मगर हमें अपने वोट को संभाल कर रखना। ये मामा बुआड़े एक रथ में भी सवार हो जाए, मुझे विश्वास है उतारा फिर भी हजारों से जिताने का काम करेगा। 12 मई को मतदान के लिए जनता तैयार है और उसके बाद सभी 23 मई के नतीजों का इंतजार करेंगे, लेकिन इतना तो साफ है कि इस बार हरियाणा में मुकाबला कड़ा रहने वाला है। जींद से अमरजीत खटकर की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।